स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूरज ग्रुप ऑफ स्कूल। माई सेल्फ जसवंत सिंह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आज सीक्वेंस एंड सीरीज के वीडियो लेक्चर को एक्सटेंड करके इसमें बहुत सारी चीज़ें आप स्टडी करोगे, जैसे सम ऑफ एन टाइम्स ऑफ एन ए बी, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, अरिथमेटिक मीन बिटवीन एन नंबर्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यस, एपी क्या होती है? एपी जैसा कि आपको पहले पता है, ए सीरीज। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक सीरीज होती है जिस सीरीज में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब एक बात ध्यान रखना, एपी हमने ले लिया, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड लास्ट टर्म आपने ले लिया एल। नाउ दिस इज डिनोटेड बाय एस एल। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टर्म। नाउ राइटिंग दिस सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर, इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या हुआ, एल प्लस एल माइनस डी। एक्चुअली लास्ट टर्म आपका एल है, सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, एल माइनस डी एंड थर्ड लास्ट टर्म विल बी एल माइनस टू डी। अब रिवर्स, जैसे आप रिवर्स करते हो सीरीज को तो अब लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो पहले फर्स्ट टर्म था, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, ए। नाउ एडिंग बोथ, अब इन दोनों को अगर प्लस करते हो तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस एस एन। अब ध्यान से देखना बच्चों, ए प्लस एल फर्स्ट टर्म में क्या हुआ, ए प्लस एल। यहां से डी कैंसिल आउट होगा, सेकेंड टर्म में ए प्लस एल। थर्ड टर्म में आपने देखा टू डी और यहां पे माइनस टू डी, 2d और माइनस 2d कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, a प्लस एल। इसी तरह से लास्ट टर्म में a प्लस एल ही बचेगा। इसका मतलब a प्लस एल कितनी बार सम हो रहा है, n टाइम सम हो रहा है। अगर कोई नंबर 2 टाइम सम होती है तो उसको 2 इंटू दैट नंबर लिखते हैं, और n टाइम अगर सम होती है तो इसको क्या लिखेंगे, twice sn equal to n times a plus l, because a plus l has been added n times, okay? Then students, sn ki jo value aayegi that will be n by 2 aur a plus l. ab yahan pe l kya hai, l is the last term over here एंड लास्ट टर्म आप सभी को पता है कि लास्ट टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है लास्ट टर्म। अब एल की अगर वैल्यू एस एन में पुट करते हैं तो एस एन क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, एन बाय टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द सम फॉर्मूला of n terms of AP. Now I will tell you arithmetic mean between two numbers and arithmetic mean between n numbers. Arithmetic mean AM between two numbers, AM between two numbers, okay. मान लीजिए अब two numbers कौन से हैं, A and B। दो नंबर आपने मान लिए A and B। अब मान लीजिए A और B के बीच में arithmetic mean A आपने insert कर दिया। Listen, if you have inserted
capital A between two letters, two numbers A and B, then ये all these terms ये sequence जो बन गई तीन numbers की ये किसमें होगी AP में. और AP की by the definition of the AP you know there must be common difference. तो common difference के लिए capital A minus small a equal to B minus capital A. अब A को वन साइड कैपिटल A को कर लेते हैं तो ट्वाइस A इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B. अब A की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नथिंग बट A प्लस B डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द AM बिटवीन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. स्टूडेंट्स नाउ आई विल टेल यू अरिथमेटिक मीन बिटवीन n नंबर्स. Arithmetic mean between n numbers. अब एक बात का ये ध्यान रखना मीन क्या हो जाएगा. ध्यान रखना मीन का मतलब क्या होता है एवरेज. एवरेज इसका मतलब क्या होता है सम ऑफ द नंबर्स. यानी कि मान लीजिए नंबर्स आपके पास ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन ए एन. दीज आर एन नंबर्स डिवाइडेड बाय एन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन बिटवीन एन नंबर्स. एन नंबर्स के बीच अरिथमेटिक मीन निकालने का ये फॉर्मूला है. इसको ध्यान रखें कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में कई बार यूज में आता है. Students, now let us find the sum of n ams between two numbers. The sum of n ams between two numbers. Two numbers के बीच में n ams, n arithmetic means insert करना है और उनका sum निकालना है. This is the task. Okay. Let us assume there are two numbers A and B. A और B हमारे पास two numbers हैं. Students, यहाँ पे हमने A1, A2, A3 and so on, AN. These are n ams have been inserted. N ams have been inserted. Okay. Now we have to find actually the sum of n ams. तो सबसे पहले एक बात ये समझना पड़ेगा अब इस सीरियल में कितने टर्म्स हो गए. n टर्म्स तो बीच में इंसर्टेड है और टू टर्म्स और है तो देर आर n प्लस टू टर्म्स. ओके देन ए एन प्लस टू यानी कि ए एन प्लस टू क्या है लास्ट टर्म हमारे पास b है. तो इसका मतलब क्या हुआ a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 यानी दैट इज n प्लस 1 इनटू d इक्वल टू b. तो b की जो वैल्यू आएगी तो d की वैल्यू क्या आएगी d इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड n प्लस 1. ओके नाउ स्टूडेंट्स a1 है. दरअसल a1 क्या है कैपिटल a1 दैट इज सेकंड टर्म. सेकंड टर्म का मतलब क्या हुआ a प्लस d. d का मतलब कितना है b माइनस a डिवाइडेड n प्लस 1. a2 क्या हो जाएगा a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1. ओके इस तरह से आप निकालते जाओगे और A3 आपके पास क्या जाएगा A प्लस 3 टाइम्स B माइनस A डिवाइडेड बाय N प्लस 1. और AN क्या आ जाएगा इसी तरह से A प्लस N टाइम्स B माइनस A डिवाइडेड N प्लस 1. नाउ वी हैव टू ऐड ऑल दिस टर्म्स यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3
से देखना सबको, एन ए प्लस ए एन टाइम, तो क्या हो जाएगा एन ए। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, वन अपॉन सेकेंड टर्म में वन अपॉन एन प्लस वन कॉमन है हमारे पास, तो और b माइनस ए भी है हमारे पास, और अंदर क्या बचेगा वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, इसका सम सारे बच्चे जानते हैं, तो इसका सम क्या होता है b माइनस ए डिवाइडेड एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन से कैंसिल आउट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए, तो एन टाइम्स एन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, तो एन टाइम्स ए एम बिटवीन ए एंड बी, दिस इज द सम ऑफ एन एम्स बिटवीन ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। ओके, दिस इज द सम ऑफ एन एम्स। स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कोई दो नंबर के बीच में आप एन एम इंसर्ट करते हो, तो आप इस डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज वेरी इजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस बी एन। ओके, इज ए एम बिटवीन ए एंड बी, find n. Actually, this is the aim, arithmetic mean between a and b. Then we have to find the n. Okay. Students, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n. अब सभी बच्चों को ये पता है कि two numbers के बीच में arithmetic mean क्या होता है? ये a प्लस बी बाई टू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, ट्वाइस a टू द पावर n प्लस वन प्लस ट्वाइस b टू द पावर n प्लस वन इक्वल टू a टू द पावर n प्लस वन प्लस a b की पावर n b a टू द पावर n और b की पावर n प्लस वन। ये रिजल्ट हमारे पास आए। अब a टू द पावर n प्लस वन को इधर ले आते हैं, तो a टू द पावर n प्लस वन माइनस, अब हमने क्या किया है कि a की पावर n और b को इधर ले लिया, अब इसको इस टर्म को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो हमारे पास क्या आया है a b की पावर n माइनस का हो जाएगा b टू द पावर n प्लस वन, टेकिंग कॉमन a टू द पावर n ओवर हियर, क्या बचेगा a माइनस बी, यहाँ पे b टू द पावर n कॉमन a माइनस बी। यहां से एक बात का ध्यान रखना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, a बाई b की पावर n जो आया दैट इज वन, एंड दिस कैन बी रिटन एज a बाई b की पावर n, और किसी भी नंबर की पावर जीरो करते हो तो उसकी वैल्यू वन होती है, तो इसको हम ले सकते हैं a अपॉन b टू द पावर जीरो, तो n की क्या वैल्यू आई दैट इज वन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ओके, दिस डन अरिथमेटिक मीन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टेक सम other concept as far as GP geometric progression is concerned, उसको लेते हैं। तो geometric progression,
जेमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो का मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म इक्वल एंड इक्वल टू होगा फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म एंड सो ऑन। यानी कि सीरीज इस टाइप की हो, ए ए आर स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या होगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना, क्या क्या कंडीशन क्या होती है, ए टू अपॉन ए वन इक्वल टू ए थ्री अपॉन ए टू, ए फोर अपॉन ए थ्री एंड सो ऑन, ए एन अपॉन ए एन माइनस वन। ये क्या होता है, कॉमन रेशियो। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म। ओके, एनएस टर्म क्या होता है, एनएस टर्म ए आर एन माइनस वन। यहाँ पे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ओके, ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज एनएस टर्म ऑफ जीपी। This is nth term of GP, GP का nth term है। अब हमें कुछ और चीजें आपको बताना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP। एक बात का ये ध्यान रखना बेटा, ए ए आर स्क्वायर, लास्ट में ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ओके, अब इस एंटायर सीरीज को हम आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आर इंटू ए आर, इसके नीचे रख लेते हैं, यहां पे ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे आपका ए आर टू द पावर एन आ जाएगा और यहां इसके पहले ए आर टू द पावर एन आएगा। इसको माइनस करते हैं, इस सीरीज को क्या करते हैं, माइनस 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 माइनस। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या क्या बचेगा, एस एन कॉमन हो जाएगा, तो वन माइनस आर इक्वल टू क्या है, ए माइनस ए कॉमन होगा वन माइनस आर टू द पावर एन। स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली आपने निकाल लिया है, ए वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। यहाँ पे एक बात का ये ध्यान रखना कि आर की वैल्यू वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आर की वैल्यू वन के इक्वल नहीं होगी। अगर वन के इक्वल हो भी गई तब क्या होगा, तब सीरीज क्या हो जाएगी, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू ए। दिस इज द सम फॉर्मूला व्हिच हैज बीन डिराइव्ड, द सम फॉर्मूला ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। ओके, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट टाइम में फिर मिलते हैं, टिल देन ओके।